नकदा कोका की जगह फौजी कोका क्यों गाया, किसका दबाव था? गुलुकार मलकू ने पहली बार खुलकर सब बातें बता दी। पाकिस्तान के मारूफ गुलुकार मोहम्मद अशरफ उर्फ मलकू आजकल खबरों की जीनत बने हुए हैं। इसकी वजह रवामा लंदन जाने वाली एक परवाज से उन्हें ऑफलोड किया जाना था, तहम अब उनका नाम प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट यानी PNIL लिस्ट से निकाल दिया गया है। इसके बाद मलकू उस वक्त जीनत बने खबरों की जब नाकदा कोका की जगह फौजी कोका ने ले ली। सोशल मीडिया पर नया कोका वायरल होते ही सार्फिन ने मलकू के गाने को दबाव का नतीजा करार दिया, लेकिन अब गुलुकार मलकू का भी पहला रद्द अमल आ गया है। BBC से गुफ्तगू करते हुए मलकू ने कहा कि ये फौज हमारी अपनी है, इस फौज में मेरे बड़े भाई मलिक मोहम्मद असलम लांस नाइक के ओहदे से रिटायर्ड हुए, वो कहते हैं कि मेरे ससुर और बरादरे निस्बती भी फौज से वाबस्ता रहे, फौज में हमारे भाई हैं, इसलिए अपनी फौज से मोहब्बत और वाबस्तगी के इजहार पर भी फख्र महसूस करता हूं। जब उनसे पूछा गया कि आया उन पर कोई दबाव था तो मलकू ने कहा कि उनके गाने नकदा कोका के 3 वर्जन रिलीज किए गए, मगर 3 का हिंसा बुरा समझा जाता है। उनका कहना है कि 4 का अदद खुशगुन है, हर काम का एक वक्त होता है, मैंने फौजी कोका बगैर किसी दबाव के गाया है, लिहाजा मेरी नीयत पर शक ना किया जाए।